जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके YouTube आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का जो सीरीज चल रहा था उसमें से आपका पार्ट टू है। आज हम लोग देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसके पैटर्न या तो उसके बैकग्राउंड का भी क्वेश्चन साथ में देखते ही चलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है O2 का प्रयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है। तो O2 का प्रयोग करके पाइरूवेट में विभाजन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है और ये कोशिका का एक कोशिकांग होता है। ठीक है, आप जो पाइरूवेट में चेंज होता है उसमें कितने एनर्जी बनते हैं? तो 36 ए टी और पी, ठीक है, 36 ए टी पी निर्माण होते हैं। ये ए टी पी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडिनो ट्राई फॉस्फेट। चलिए और इससे क्या क्वेश्चन बन जाएंगे? तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम पूछे प्रोटीन का विभाजन कहाँ होता है तो प्रोटीन का विभाजन जो होता है वो होता है आपका राइबोसोम में। क्या होता है? किसमें होता है? राइबोसोम में। तो इससे आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कोयल की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा कितनी डिग्री होने सापेक्ष कितनी डिग्री होने पर प्रेरित धारा अधिक होती है, सबसे अधिक होती है? तो 90 डिग्री। कितना मेरे दोस्त? 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है या झुक जाती है? सामान्यता की और धीमी हो जाती है। ठीक है, मींस क्या बोला गया है कि आपका बताया जा रहा है अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रैवल करती है, एक मीडियम से अनदर मीडियम में जब जाती है तो उसका जो स्पीड होता है या तो धीमा हो जाता है या तो स्पीड उसका बढ़ जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इस प्रक्रिया को अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो या तो प्रकाश जो है वो आपका, ये आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है और ये है आपका नॉर्मल। तो अगर ये है आपका ऊपर वाला रेरर टू डेंसर जा रहा है, रेरर टू डेंसर, तो यहाँ से डेंसर मतलब क्या, इसका पार्टिकल जो रहेगा वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लोजेस्ट रहेगा। तो यहाँ से जब जाता है तो ये जो नॉर्मल की टूवर्ड्स में क्या करेगा, झुक जाता है। और अगर डेंसर टू रेरर में जाता है तो ये आपका ये इधर मूव कर जाता है। तो यहाँ से आपकी इतनी सारी क्वेश्चन बन जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, 120 वाट के विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, लैंप द्वारा एक दिन में उपयुक्त की गई ऊर्जा का यूनिट ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से बात को समझिए कि 120 वाट का है, कितने वाट का है? 120 वाट का, और पर डे कितना यूज़ करा जा रहा है? तो 8 पर डे, 8, तो कुल मिला के कितना वाट यूज़ कर किया जा रहा है एक दिन में? तो एक दिन में ना इतना यूज़ करा जा रहा है। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतना यूज़ करा जा रहा है और इसको चेंज करना है यूनिट में। तो यूनिट इक्वल टू क्या होता है? यूनिट इक्वल टू होता है 1000 वाट। तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 0.96 सही आंसर होगा, 0.96 यूनिट। अगर वाट में पूछा जाए तो 960 वाट, और अगर पूछे यूनिट में तो 0.96। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र का बात करा जाए तो CaOH2, ठीक है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अब इससे और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बन जाते हैं तो उसको आप देखते जाइएगा, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि हम पूछे HCl का क्या, HCl जैसे कि NaCl का भी याद रखिए। तो इससे संबंधित जितने भी आपका फार्मूला होती है वो आपको आप वन बाय वन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वन बाय वन करके रिवीजन कर लीजिए। जैसे हम बोल सकते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको खड़िया के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? CaCO3। आगे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे आप बिना भुजा हुआ चुना, CaO को बिना भुजा हुआ चुना और इसमें अगर वाटर मिला देते हैं तो ये बन जाता है भुजा हुआ चुना, CaOH
टू। तो इस तरीका से जब भी आपको क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके बैकग्राउंड का जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल आप करने की कोशिश करें मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का तुलना कितना होता है? तो 1/6 होता है। चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वेट ऑब्जेक्ट का वेट वजन जो है वो डिपेंड करता है उसका ग्रेविटेशन फोर्स पे। ठीक है, मतलब क्या, वजन जो होता है, वेट जो होता है वो मास इनटू ग्रेविटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट के मास में अगर ग्रेविटेशन फोर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या मिल जाता है, हमको उसका वेट मिल जाता है। तो यहाँ से आप बात को समझिए क्या कि चंद्रमा पर का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स से 1/6 है, इसीलिए उसका वेट जो होता है चंद्रमा पर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो अर्थ के अपेक्षा 1/6 गुना होता है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ जो है 60 kg है तो वहाँ पर 6 kg होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां से आपका इतने सारे क्वेश्चन बन जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी तो कौन सा, तो आर्णी सारणी का कौन से आवर्त में, तो आवर्त 17 में। 18 हम आपको बताए थे, 18 को क्या बोला जाता है, तो 18 ग्रुप को बोला जाता है, ये इनर्ट ग्रुप है। ठीक है, जिसका वैलेंसी 0 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये अनरिएक्टिव ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट की और आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ पत्ता और पत्तियों में, तना पत्तियों में अलग नहीं होता है? स्पायरोगायरा। ठीक है, ये ऑप्शन बेस्ड है, जैसा एक ऑप्शन रहेगा वैसा आप डील कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। आगे दो प्रतिरोधक 10 ओम, दो प्रतिरोधक है आपके पास, एक है 10 ओम और एक है 20 ओम। ठीक है, 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दी जाती है तो विद्युत धारा क्या होगी? तो आप ध्यान समझिए कि विद्युत धारा मतलब हमको पूछा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स आई। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है V/R। ठीक है मेरे दोस्त, आई इक्वल टू V/R। तो यहाँ से हम आपको निकालना है आई, तो यहाँ से आप पहले भी देख लीजिए भी कितना है, तो भी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 6। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए क्या कि टोटल मेरे पास रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस या तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 इधर और 10 इधर, कितना हो गया 10 और 20 30। तो 30 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा 20.02 एम्पियर। कितना फ्लो करेगा, 0.2 एम्पियर। इससे संबंधित और क्वेश्चन अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू एक फॉर्मूला और आ जाता है, आई इक्वल टू Q/S। Q/S मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है वो चार्ज पर सेकेंड। तो इससे यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है। कौन सी यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है? तो किसमें, जैसे कि आप देखे होंगे एक चीज़, जैसे कि हम लोग वॉशिंग सोडा का नाम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, वॉशिंग सोडा का Na2CO3 into 10H2O, 10H2O। तो यहाँ पर देखिए कि ये यौगिक जो है इसमें क्रिस्टलीकरण का 10 मॉलिक्यूल्स वाटर प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग अगर बात करें बेकिंग सोडा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा में कोई भी वाटर प्रेजेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहा जाता है? जैसे आपको पता होगा कि जो ध्वनि का रेंज होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है इंफ्रासोनिक, जिसका रेंज होता है 0 to 20 हर्ट्स। ठीक है, 0 to 20 हर्ट्स मीन्स बोल सकते हैं 20 हर्ट्स लेस देन। ठीक है, सेकेंड जो आता है उसके बाद 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स। ठीक है, और उसके बाद 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा। तो ये जो आपका है 20 हर्ट्स से कम उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ये बीच वाला इसको बोलते हैं ऑडिएबल। ठीक है, और ये सबसे लास्ट जब अधिक है 20,000 हर्ट्स से अधिक है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो यहाँ से आपका इतना सारा क्वेश्चन बन जाता है। जो आपका बोला था क्या, श्रवण, श्रवण मतलब होता है ऑडिएबल, तो ऑडिएबल से नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो आपका आंसर क्या होगा, ऑडिएबल के नीचे वाला पूछा है तो ऑडिएबल के नीचे वाला इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं।
परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा? तो परमाणु संख्या के बात करा जा रहा है, परमाणु संख्या के आधार पर किसके द्वारा? तो मॉसली के द्वारा, और उसके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, जैसे कि डॉबरेनर का बात कर सकते हैं, ठीक है, और जितने भी न्यूजीलैंड का बात कर सकते हैं, तो जितने भी थे वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से ये पीरियोडिक टेबल को सजा रहे थे, लेकिन सबसे पहले जो किए थे परमाणु संख्या के अनुसार से, तो मॉसली के द्वारा करा गया था। किसके द्वारा? मॉसली के द्वारा। यहाँ से और क्वेश्चन आपका नहीं बनते हैं, ये इतना याद। हाँ, एक क्वेश्चन बन जाता है क्या कि परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या क्या होता है? तो नंबर ऑफ अ प्रोटोन, नंबर ऑफ अ प्रोटोन को क्या बोला जाता है? परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो नंबर ऑफ अ प्रोटोन और नंबर ऑफ अ न्यूट्रॉन के योग को बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। आगे क्या है? 5 से 5 to 8% एसिटिक एसिड को सिरका के नाम से जाना जाता है। अगर उसमें एसिटिक कैपेसिटी अगर कितना 5 से 8% के अंदर रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको सिरका के नाम से जाना जाता है। कौन सा जानवर मुकुलन, जिसको बोलते हैं बडिंग, के द्वारा पूर्ण रूपांतरित करता है या पूर्ण जनन क्रिया को पूरा करता है? तो आपको पता होगा हाइड्रा, हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनाइज्म है, उसका उसका एक पार्ट ऑफ बॉडी अगर टूट जाए तो वो फिर से उसको क्या कर सकता है? पुनः पूर्ण जनन कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रा। आगे देखिएगा मेरे दोस्त, क्या है? विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो इसमें आपका ऑर्गन का भी यूज़, सामान्यतः इसमें ऑर्गन का यूज़ करा जाता है, ठीक है, इसमें ऑर्गन का यूज़ करा जाता है, और साथ साथ में कभी कभी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी जब भी आपको क्वेश्चन आए तो या तो नाइट्रोजन मार दीजिए या तो ऑर्गन, दोनों में जो भी रहे दोनों को मार के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आगे बढ़ते हैं, क्या है? कौन सा हार्मोन युवावस्था में समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति को बदलाव को दिखाता है? तो ये आपको पता है, ये है आपका कौन? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और यही क्वेश्चन अगर फीमेल के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हो जाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन, जो क्या करता है? लड़कों में, लड़कों के अकॉर्डिंग चेंजिंग लाता है, और लड़कियों में, लड़कियों के अकॉर्डिंग चेंजिंग आता है, ठीक है। ये अब अगर बात करा जाए तो ये एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के कहाँ बनता है? तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के एग में प्रोड्यूस होता है। अगर बात करा जाए टेस्टोस्टोरिन, टेस्टोस्टोरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो टेस्टोस्टोरिन जो है वो मेल का वृषण में प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। और अगर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का ह्रास हो जाता है उसको बोलते हैं, या ऊर्जा चाहिए अभिक्रिया कंप्लीट करने के लिए, उसको बोला जाता है इंडोथर्मिक। जैसे आप समझिएगा कि श्वसन जो है, सॉरी श्वसन नहीं, ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपका ऊष्माशोषी है, आपका इंडोथर्मिक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या होता है कि H2O वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना पड़ता है हीट के प्रेजेंस में। तो ये आपका क्या हो रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ये आपका है इंडोथर्मिक। लेकिन अगर हम बोल सकते हैं कि हम लोग के बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो कौन सा है? तो वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि बॉडी में C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ब्रेक करता है तो बॉडी में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ से एनर्जी या तो हीट रिलीज हो रहा है, मतलब ये एक्सोथर्मिक एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ गया? तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका वो करंट अफेयर का है। तो इतना ज़्यादा करंट अफेयर आपका 6 महीना या 1 साल का इंपॉर्टेंट जाता है, इसके पीछे का जितने भी करंट अफेयर है वो आपके आगे आने वाले ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।